नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभा पाड़ी ब्लॉगर पर। तो आज का ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, हमारे यहाँ संक्रांति मनाई जाती है। पता नहीं आप लोग क्या बोलते, बट हम बोलते हैं कान्ना बीरू, बोलते हैं वो अपनी भाषा में, बट क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जैसे शहर की संक्रांति होती है, लोहड़ी का संक्रांत होता है, वैसे उसी तरह हमारे यहाँ संक्रांति बनाई जाती है। तो आज बना रहे हैं हम मिट्ठू वगैरह, सालू वगैरह बनाते हैं, तो आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर लूँ। तो कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने डो बना लिया है पहले से, अभी इस डाला था तो ये अच्छी तरह से हो गए हैं बनाने के लिए। तो मैंने बनाया था आज मिठे के लिए, मैंने अलग बनाया है डो, और सिंपल की रोटी के लिए अलग बनाया है। तो मीठे के लिए जो मैंने बनाया है उसमें डाला है मैंने जो गरी होती है नारियल, उसको मैंने क्रश करके उसका पूरा जो है वो डाला है, और सूजी डाली है, और गेहूं का आटा डाला है। तो उसको मैंने चीनी के साथ और दूध के साथ और घी, थोड़ा सा घी डाला उसमें, तो उसके साथ बटोला है। और अभी वो बहुत अच्छी तरह से हो भी गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर क्यों ना शेयर करूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा बताऊँगी, ज़्यादा नहीं, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। वो नारियल और मीठी सौंप जो भी डाला है इसमें, ये हो गया है अच्छी तरह से, फूल भी गया है। हो गया है तो अभी इसकी मैं लोइया बना लूंगी, और ये सिंपल सिंपल रोटी के लिए। तो ये हो गया है तो इसकी मैं अभी रोटियां बना लेती हूँ, चपाती की तरह छोटी छोटी सी बनानी है पूरी के साइज की। तो मिलूंगी मैं जब मैं इनको तलूंगी तभी मिलूंगी। तो फ्रेंड, ये जो मैंने मीठे मीठी आटे का जो डो बनाया था, तो मैं ऐसे बना रही हूँ एक बड़ी सी रोटी और एक मसाले का छोटा सा, ये है डब्बू, तो इसके साथ छोटा सा बोले मसाले का ये, तो इसके साथ मैं ऐसे बिस्किट बना रही हूँ। ऐसे गोल गोल शेप दे रही हूँ क्योंकि बच्चों को ना ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है देख के। टूट गया पर ठीक ही है, टूट गया पर ठीक ही है, चलो एक ही हाथ से बना रही हूँ तो दिक्कत हो रही है। इसमें जो मैंने बूरा डाला है ना और गरी का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चिपक रहा है ये ना बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मैंने क्या किया, गीला किया इसको ताकि ये अच्छे हो खाने में, ज़्यादा सख्त करते हैं तो अच्छे नहीं होते खाने में, टेस्टी नहीं होते। उसी तरह से बनाऊंगी सारे। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदा मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा हवा तूफान चल रही है, और मेरी सारी चीज़ें उड़ गई, यहाँ पे बिखर गई सारे में। तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और मौसम बारिश मतलब आने का नाम नहीं लेती है, और ऐसे ही हवा तूफान कर लेती है। तो अभी मैंने रोटियाँ मतलब तल ली है, तो अभी मैं बाद में उनको तलूँगी। तो अभी मैंने सोचा थोड़ी देर उसको रेस्ट, मतलब रोटियों को रेस्ट देनी पड़ती है तभी ज़्यादा अच्छी होती है। तो बाहर का व्यू दिखा लेती हूँ आप लोगों को, सोचा इधर का मतलब इतना इतना काला हुआ है मौसम। और एक ये है ऐसे है लावारिस, बट सुबह शाम दिन में जब भी इसको टाइम लगता है तो आ जाती है मेरे घर खाना खाने। आजा आजा, इसको इसके ना तीन चार बच्चे हैं, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कभी, तो आ जाती है, क्या करना, इसको देनी पड़ती है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो,
हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो। तो फ्रेंड ये आ जाती है, इसको रोटी दी अभी मैंने और झोल दिया साथ में रोटी के साथ। बेचारी कमजोर हो गई है, क्या करें इसका। देती हूँ जब टाइम, जब भी होता है तो देती हूँ उसको। तो फ्रेंड अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखने इतना इतनी ज़्यादा हवा लगी है तो मेरा सामान ना बिखर गया है चारों तरफ। मैट वगैरह ना इधर पड़ गए थे और जो सरसों रखी है मैंने सूखने के लिए तो वो भी यहाँ पे गिर गई थी, और फिर मैंने उसको पत्थर के साथ ये करके रखा। तो अभी इतनी हवा लगी है, आप लोग देख रहे हो कैसे ये हो रहे हैं चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा। पिछली साइड तो और भी अजीब सा मौसम हो गया है रियली में। और फ्रेंड ये देखिए इतनी हवा लगी है, और ना हवा के कारण ना सब कुछ ये हो रहा है, उड़ रहा है, और मेरे को डर लग रही है। पिछली साइड तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है मौसम, काला काला सा। तो फ्रेंड ये इतना बड़ा पेड़ है, अगर गिर जाएगा तो मेरे घर के ऊपर तो मेरा क्या होगा। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। और ये पहरा करने के लिए आ जाती है इधर, बंदर आते हैं ना तो आलू वगैरह लगाए तो वो खा जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे बैठ जाती है ये डेली। थोड़े देर के लिए ही आती है, थोड़ी देर के लिए आती है खाने के लिए बस। तो फ्रेंड बाहर चली है बुरी तरह से हवा, ये देखो गैस भी कैसे बुझ रही है। और यहाँ पे मैं तल रही हूँ बिस्कुट जो मैंने बनाए हैं। तो मैंने सोचा थोड़े से अपने सास ससुर को ले जाती हूँ, जाते हुए गौशाला तो जाना ही है, तो मैंने सोचा सास ससुर को ले जाती हूँ। वो ऐसे बनाने के लिए मतलब ये नहीं करते हैं ना, उनको अभी इतना ज़्यादा ये नहीं रहा है कि ऐसा बनाना उन्होंने और खाना। वो ना बड़ी ये करते हैं, आलस करते हैं, मतलब हो जाता है ना जब बूढ़े हो जाते हैं तो आलस होता है। तो मैंने सोचा थोड़े से उनको बना के ले जाऊँ, मैंने सोचा इसमें भर लेती हूँ पहले, तब तलने के लिए आसानी होगी इकट्ठे ना। ऐसे तो ये थोड़े थोड़े से ले जाना पड़ रहे हैं तो तेल ऐसे ही वेस्ट होगा, तो पहले इसमें भर लेती हूँ। आधे बड़े साइज के बनाए हैं, आधे छोटे साइज के बनाए हैं, बच्चे ना इंटरेस्टिंग हो जाते हैं ऐसे देख के, तो मैंने सोचा चलो ऐसे बनाती हूँ। तो एक हाथ से फोन पकड़ा है और ये काफी हिल भी रहा है। तो आजकल गर्मी है बहुत ज्यादा, तो मैंने थोड़े ही बनाए हैं। बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं ये लोग, देख ली, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो सोचा नहीं फूलेंगे बट अच्छे से फूल रहे हैं। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है खिड़की से। तो फ्रेंड बस इसी तरह से तलूंगी और आप लोगों को पता है कि कैसे तलते हैं। मैं तो ऐसे ही अपनी जो डेली की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कैसी लगती है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 जो लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दो भाई, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा आपका। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को पता है मेरे ब्लॉग कैसे होते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कर लाइक कमेंट और शेयर। शेयर करने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और
बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी आप लोगों के साथ, बस ऐसे ही करते हैं हम। और ये शाम को फिर आपको पता है डिनर में सबने डिनर करना है इकट्ठा होकर, और सुबह बनाते हैं हम खिचड़ी, तो फिर खिचड़ी बनाते हैं सुबह। तो फिर अपने जितने भी कुल्स हैं, जितने भी देवी देवता हैं उनको चढ़ाते हैं वो, तो इस तरह से बनाते हैं हमारे पहाड़ों में साज्जे, कोई भी साज्जा हो मतलब हमारे पहाड़ों में ऐसे ही बनाते हैं। तो फ्रेंड ये मैंने निकाल दिए, तो इसी तरह से बनाऊंगी। तो आइएगा कभी हमारे पहाड़ में घूमने के लिए, जो बाहर के लोग हैं वो भी आइएगा, और जो अपने हैं वो भी आइए हमारे घर, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो थैंक यू फ्रेंड, मैं अभी इसी के साथ ब्लॉग फिनिश कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, अगर अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा अपने फ्रेंड में, अपने रिश्तेदारों में, सभी में शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलती हूँ कल, टाटा बाय बाय।